Hi guys, welcome back to our channel. तो आज चलो हमारे साथ और एक ऐसी प्लेस पे जो वीकेंड गेटवेज के लिए परफेक्ट है. आप आ सकते हैं ओवरनाइट ट्रिप करके, वापस आप मंडे को आपके काम पे लग सकते हैं. और ये प्लेस है ना, आप मुंबई नासिक पुणे से इजीली आप आ सकते हो, कनेक्टिविटी अच्छी है और आके आप वन डे स्पेंड कर सकते हो या तो ओवरनाइट ट्रिप करके भी आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हो. अभी हम आए हैं बंदरदरा में. बंदरदरा एक छोटा सा हिल स्टेशन है महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंज में, जो महाराष्ट्र का सह्याद्री रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है कलसुबाई. उसके पास में ही पड़ता है बंदरदरा, एक छोटा सा गेटअवे स्पॉट है. वीकेंड के लिए बहुत मस्त से प्लेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, दो दिन रह सकते हैं. पास में ही है, लेक है एंड आप इंजॉय कर सकते हैं व्यू. तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है इगतपुरी या बाई रोड. इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है. आधे रास्ते तक थोड़ा सा रोड खराब था पर बाकी का फिर रोड अच्छा था. तो जैसे आप इगतपुरी के अंदर एंट्री करेंगे ना, तो आपको एक ये ऐसा ब्रिज दिखेगा. एक्चुअल गूगल में आगे का लोकेशन बताता है, लेकिन आप ये ब्रिज से जाइए और जाके ही अगर आगे राइट मारेंगे ना, तो डायरेक्टली आपको म्यांमार गेट दिखेगा और विपसना का एंट्री भी वहां से ही है. तो फिलहाल तो अभी हम पहुंचे हैं म्यांमार गेट में इगतपुरी में, जो फिलहाल बंद है कोविड के वजह से. इसको विपश्यना सेंटर भी बोलते हैं. यहाँ पे मेडिटेशन होता है एंड जो इसका गेट है, जो इसका गेट का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए, पर अभी कोविड है तो ये अभी करंटली बंद है. तो हम लोग बस बाहर से फ़ोटो खींच रहे, देख रहे एंड जा रहे हैं. इगतपुरी स्टेशन से काफ़ी पास में है ये. महाराष्ट्र में जो कड़सुबाई करके ट्रैक है उसका एंट्री पॉइंट यहाँ से ही है. एक्चुअल में बंदरदरा एक ऐसा प्लेस है कि इसके आसपास में आपको बहुत से ट्रैक पॉइंट्स वगैरह आपको मिलेंगे और बहुत से अच्छी नेचर की आपको चीज़ें देखने मिलेगी, जैसे कि संधान वैली है, कलसुबाई है, ये सब उसके आसपास में है. तो ये है संधान वैली ट्रैक का रास्ता, यहाँ से जाते हैं संधान वैली. एंड कलसुबाई इज अ हाईएस्ट पॉइंट इन महाराष्ट्र सह्याद्री रेंज. अभी हम लोग आए हैं आर्थर लेक पे. हमारे रिसोर्ट के मोस्टली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये एक लेक है. तो जस्ट इवनिंग का सनसेट व्यू एंजॉय करने के लिए हम लोग आए हैं. एक्चुअली वीकेंड होने के कारण यहाँ पे थोड़ी सी पब्लिक दिख रही है. लास्ट टाइम जब हम लोग बंदरदरा आए थे तब हम लोग मंडे था, वीकडेज था तो कोई भी पब्लिक नहीं थी. आज हमें कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे. अभी to be strong on my own. If you never trust, then you can't be let down. Learn to always picture the worst, to save myself from ending up hurt. Just now we are going for a boating. एंड यहाँ पे बोटिंग का सीन ऐसा है कि 50 rupees पर पर्सन अगर आप शेयरिंग में लो तो, एंड अगर पूरा बोट बुक करना है तो 400 है. Give up control, I lose it all. Hoping I will play.
वी जस्ट डिड अ बोट राइड, ही टुक अ 50 rupees फॉर जस्ट 5 minutes राउंड, तो हम लोग को इतना वर्थ नहीं लगा. बट अगर आपको अलग एक्सपीरियंस चाहिए तो यू कैन जस्ट इट. तो ये है यहाँ का लोकल मार्केट. छोटा सा है, ऐसा कोई बड़ा रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे लोकल्स के खुद के शॉप्स है, तो वहाँ पे आपको छोटा मोटा ऑप्शन मिल जाएगा. वड़ा पाव है, कांदा भाजी है, मिसल पाव है, ऐसा. तो ऐसे हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे और अभी भी इधर ही आए. ये जय हिंद रेस्टोरेंट है और यहाँ का हम लोग को कांदा भाजी अच्छा लगा था, तो इसके लिए फिर यहाँ पर आया है. तो आप जब कभी ट्रिप पे जाते हो ना, तो रिसॉर्ट्स में या बड़े होटल्स में तो खाते हो, वो ठीक है, पर कभी कभी ना ऐसे लोकल्स के पास भी ट्राई करना चाहिए. तो यहाँ का जो फूड है उसका टेस्ट अलग होता है, तो यहाँ पे आपको उसका टेस्ट करने में प्लस इनको भी हेल्प हो जाता है, इनको भी इकोनॉमिकली सपोर्ट हो जाता है, तो वो भी करना चाहिए एज अ ट्रैवलर. This is a Wilson Dam. You can see behind me. अभी पानी बहुत ज़्यादा कम है, पर जब हम लोग मानसून में आए थे लास्ट टाइम तो पानी बहुत ज़्यादा था, यहाँ से पूरा पानी फ्लो हो रहा था, तो वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था. तो ये जो माउंटेन रेंजेस आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉनसून में फुल ग्रीन हो जाता है ये पूरा आसपास का, एंड बहुत सारे छोटे 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 वाटरफॉल्स यहाँ पे दिखते हैं, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रीम्स दिखती है पानी की, तो व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है यहाँ पे. बंदरदारा के ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो रिंग रोड के अंदर है. एक्चुअली यहाँ पे ये रोड पूरा ऐसा ही बनाया है, तो एंट्री पॉइंट है एक और एक एग्जिट पॉइंट है. तो सारे जो यहाँ के टूरिस्ट पॉइंट है, जैसे कि अमृतेश्वर टेंपल है, लेक व्यू है, डैम है, वो इसके अंदर कवर होता है. एंड जो रतनगढ़ एंड चंदन वैली ट्रैक पे जाने का जो रास्ता है वो भी ये रिंग रोड के अंदर ही आता है, यहीं से जा सकते हैं आप. एंड ये सह्याद्री माउंटेन होने के कारण पूरे आसपास माउंटेन एंड बीच में ये जो विलेज है एंड मस्त सा लेक है सेंटर में, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आता है. स्पेशली मॉनसून में बंदरदारा आने का मकसद ये होता है कि ब्यूटी इज़ नेक्स्ट लेवल. यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे कैंपिंग होते हैं, वन डे टू डे यहाँ पे वो लोग अरेंज करते हैं, प्राइवेट भी, एंड अगर आपके पास आपका ग्रुप है तो भी, तो आप कैंपिंग पे भी, लेक साइड के पास कैंपिंग के भी लिए आ सकते हैं. बंदरदारा के ही रिंग रोड में और एक वाटरफॉल आता है जो है नानी फॉल. बारिश में ये फुल पानी का फोर्स इस पर बहुत अच्छा रहता है, ऊपर से पानी आता है, पूरा पानी से भर जाता है, लेकिन बारिश के बाद में यहाँ पे कुछ भी पानी नहीं रहता, पूरा सूखा रहता है. Then you can't be let down. Learn to always picture the worst. The same as जब हम ये प्लेस पे आए थे, स्पेशली ये पॉइंट पे, तब भी ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया था. तभी तो बारिश भी गिर रही थी और ये पूरा पानी का लेवल भी ज़्यादा था. और इस बार सनसेट के टाइम पे हम लोग यहाँ पे हैं और रियली ये देखो इसका पानी का रिफ्लेक्शन और पीछे पहाड़ का बैकड्रॉप और ये झाड़ जो हाफ पानी में है, बहुत सही दिख रहा है. मेरे पीछे
पीछे आप देख रहे हैं वो है अमृतेश्वर मंदिर। बंदादारा पे जब भी आप आएंगे तो उसी रोड पे आगे रतनवाड़ी करके एक विलेज है, उस विलेज में ही एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, ये प्राचीन काल का मंदिर है, शिव का मंदिर है, ये ब्लैक स्टोन से बना हुआ है एंड स्पेशली इसका जो कार्विंग है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसका कार्विंग देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं एंड अगर आप बंदारदारा आते हैं तो ये वाला टेम्पल है वो बिल्कुल मिस ना करें। आप ये बंदादारा के रिंग रोड पे आते हैं ना तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि रोड बहुत यानी ऑलमोस्ट 80% रोड्स है ना बहुत ख़राब है एंड आई थिंक रोड्स आर इन मेकिंग बट आपको पता है कि हमने यहाँ पे काम कैसे होता है तो स्लोली स्लोली चल रहा है काम बट रोड बहुत ही ख़राब है तो आप वो एक माइंड में रख के चलिए। हाँ जो नॉर्मली आपको टाइम लगता है पूरा रिंग रोड कम्प्लीट करने में उससे आपको डबल टाइम लगेगा क्योंकि रोड इतने ख़राब है कि आपको स्लोली जाना पड़ेगा। पे जो सनसेट इतना सही होता है ना, फुल गोल्डन लिट होता है, जो स्पेशली जो गोल्डन रेज आते हैं और जो यहाँ पे घास पे गिरती है उससे पूरा जो कलर्स जो आपको देखने मिलते हैं ना बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। तो बंदारदारा में हम रुके हैं यश रिसोर्ट में। यहाँ का कंसेप्ट ऐसा था कि उन्होंने हर कॉटेज को डिफरेंट कंट्री का नेम दिया है एंड उसमें से हमारा था आयरलैंड एंड स्पेन। सो फर्स्ट लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द स्टे। रूम्स यहाँ पे अच्छे हैं, कोजी है एंड काफ़ी स्पेशियस भी है। हम लोग ने विला लिया था 2 बेडरूम एंड हॉल का, हमको यहाँ पे अच्छा लगा, स्टे वगैरह अच्छा है, बाथरूम भी क्लीन हाइजीनिक है, सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ वगैरह है, प्लस बालकनी से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल यहाँ पे शांति है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, वी आर जस्ट एंजॉयिंग इट। तो अब बात करते हैं यहाँ की जो रिसोर्ट में जो एक्टिविटीज़ होती है और जो रिक्रिएशनल एरियाज़ है जहाँ पे आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हो वो एरिया के बारे में। यहाँ पे ना छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स खिलाते हैं और गेम्स के पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो ये पॉइंट्स आप इनके दूसरे जो ये है प्रॉपर्टीज़ है जो कसोल वगैरह में इस साइड है वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। और प्लस यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है, स्विमिंग पूल है, छोटे बच्चे के लिए भी स्विमिंग पूल अलग से इन लोग ने सेफ तरीके से बनाया है तो वो भी अच्छा है। और मुझे स्पेशली जो पसंद आया ना यहाँ का आर्ट वर्क, जो अलग अलग हर एरिया में छोटा मोटा कुछ छोटा सा कुछ मैसेज देता है या कोई अच्छा सा आर्ट वर्क किया है। और स्पेशली जो टेबल्स है, टेबल्स पे इन लोग ने सब अलग अलग अपने जैसे कि स्पीति है तो स्पीति का थीम बनाया, माउंट एवरेस्ट है तो अलग अलग अपने माउंट एवरेस्ट वगैरह और दूसरे माउंटेंस के ऐसे थीम बनाए, तो वो मुझे बहुत पसंद है। आर्टवर्क भी अच्छा है एंड आप खुद भी कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन लोग ने किया है, आपको भी अगर पार्ट लेना है, आपको भी कुछ करना है तो यू कैन डू इट, तो वो मुझे अच्छा लगा। और दूसरा यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ पे भी आप प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो और बाकी एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पे, डीजे वगैरह है, तो ये सब में रिसोर्ट मुझे अच्छा लगा। और जो शाम को लाइटिंग का इफेक्ट और जो चिल वाइब्स आते हैं ना, आप सीरियसली आके यहाँ पे रिलैक्स करो फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, बहुत अच्छा माहौल बनता है। तो अब बात करते हैं फूड के बारे में। यहाँ का फूड मुझे एवरेज लगा, इतना एकदम हाई लेवल का नहीं है। अगर आप वन नाइट का पैकेज लेते हो तो उसमें आपका लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है। अगर आप यहाँ पर आने का प्लान करते हो तो आप फूड का ऑप्शन आप बाहर भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आप यहाँ पे सिर्फ स्टे करें और फूड बाहर से भी ले सकते हैं। बट बंदारदारा एक थोड़ा सा ऑफबीट एरिया है तो यहाँ पे आपको फूड कहाँ पे भी इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो ये आप एक ख्याल कीजिए। यहाँ की मार्केट भी है ना शाम को 7-8 बजे तक के बंद हो जाती है, तो अगर आपको कुछ लेना है या कुछ करना है तो आपको उसके पहले ही करना पड़ेगा। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी का यहाँ पे ऐसा है कि एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है एंड इंटरनेट अवेलेबिलिटी है यहाँ पे,
और वोडाफोन का सोसो है, बाकी कोई भी सिम कार्ड्स यहाँ पे नहीं चलते हैं। ओवरऑल बंदारदारा में भी जियो या कोई और सिम कार्ड यहाँ पे नहीं चलते हैं। लास्ट टाइम भी हम आए थे तो यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था कोई सिम का। तो एक तरह से ये प्लस पॉइंट भी है कि अगर आपको रिलैक्स करना है, चिल करना है, ये सब झंझट नहीं चाहिए फ़ोन का, तो ये अच्छा भी है। पर अगर कॉन्टैक्ट करना है तो वो एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। और एक चीज़, यहाँ का वाईफाई बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। वाईफाई का ऑप्शन है यहाँ पे, बट इनका वाईफाई कल से नहीं चल रहा है। एंड यहाँ पे पहुँचने के लिए या कहीं पे भी एक्सप्लोर करने के लिए नेटवर्क नहीं रहेगा, तो आप गूगल मैप पे ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आए तो आपको घूमने के लिए ईजी हो जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ इंडोर गेम्स भी है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो मीट वॉटसन। हेलो, व्हाट्स अप, हाउ आर यू गाइस? So he is the heart and the brain of this area. The place and the pool area and all the graffiti which we showed you, he has done this. He is the creator behind this. So he is very active and cheerful person. So if you come here, so don't forget to miss him. And also very sweet of him that he gave us these souvenirs to take back home. And we are just loving this mug and all the print and message. So come here, check it out, there's very good artwork. These guys have other properties also, it's a Kasol. At Kasol, yeah. Jari. So यहाँ का हमारा stay experience अच्छा था and with this हमारा बंदारदारा का trip यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा बंदारदारा की पूरी trip का 1 night 2 days का approx budget हुआ है 5,000. रिसॉर्ट का चार्जेस था 3,000 पर कपल इंक्लूडिंग फूड, 3 टाइम का इंक्लूडेड था। एंड बाकी का जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वीनियंस चार्जेस एंड ओवरऑल एक्स्ट्रा जो भी था वो। सो वी आर एंडिंग अवर वीडियो हियर। होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। डू लाइक आवर वीडियो, प्लीज शेयर, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब। सी या इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।